नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन न्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट का रिव्यू। यो उत्कृष्ट मेडिसिन है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट। यह अनचाही प्रेगनेंसी रोकने में कारगर है और बच्चों में अंतर रखने के लिए फायदेमंद है। ये टैबलेट महिलाओं के लिए है। यह ऐसी बढ़िया पैकेजिंग में आती है। इसमें 21 गोलियां है। टैबलेट स्मॉल साइज की है। नॉसेंट नहीं, बीटर नहीं, निगलने में आसानी है। इजी टू यूज और इजी टू ट्रैवल है। ये महिला अपने पर्स में भी रख सकती है। यो ऑटसिरा जेनेटिका का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऑटसिरा जेनेटिका एरिस्टो फार्मा का डिवीजन है। दोस्तों ये लोगो देखिए आप भी, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल ऑटसिरा जेनेटिका इंटीमेसी प्लस टू टैबलेट खरीदी है। ये बहुत सस्ती, इसकी कीमत सिर्फ 109 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रीमियम मिल सके। ये 100% फ्री है। इसमें है डेसोजेस्ट्रिल और इथिनिल एस्ट्राडोल। 21 टैबलेट्स आती है अभी। ये गोली हर दिन नियमित रूप से एक ही टाइम पे लेनी है। टाइम में बदलाव ना करें। बहुत सारी महिलाएं इसे बेड टाइम में लेना पसंद करती है। यह सही टाइमिंग है। मासिक होने के बाद मासिक का पहला दिन पहला पकड़ के चलो। 5वें दिन से इसे रेगुलर लेना है। गोलियां खत्म होने के बाद मेंसेस आती है, पीरियड्स आते हैं, फिर से वही दौर आए। ये दवाई ओवुलेशन होने देती है। ये फर्टिलाइजेशन को रोककर गर्भ को ठहरने नहीं देती। ये दवाई 99% प्रभावी है। अगर किसी दिन गोली मिस हुई तो अगले दिन दो गोली लेना है। अगर लगातार दो गोली मिस हुई तो अगले दिन तीन गोली लेना है। उल्टी या मतली हो सकती है, इसलिए पहले से एसोलोगार्डी या रैंडम जैसी टैबलेट ले लें। साइड इफेक्ट से जी मचलाना, सिर दर्द, ब्रेस्ट में दर्द, थकान, मूड में बदलाव, त्वचा में परिवर्तन, वजन बढ़ना, पेट दर्द। बीपी के पेशेंट हर 6 महीने बाद बीपी चेक करें। साइड इफेक्ट्स सामान्य है, अगर गंभीर रूप लेती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के समय इस टैबलेट का यूज ना करें। ये 99% इफेक्टिव है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।